लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर द टू टॉपिक विच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर आर विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स टूगेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द लिंकेज। व्हाट इज द लिंकेज, लिंकेज क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो लिंकेज जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज ड्यूरिंग देयर इनहेरिटेंस। जब भी इनका इनहेरिटेंस होता है तो कोई भी दो जीन या दो से अधिक जीन जो है जब इनहेरिटेंस के समय एक साथ ही रहते हैं, मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में साथ साथ ट्रांसफर होते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंकेज। और ऐसे जीन को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन। द जीन आर नोन एज लिंक्ड जीन। सो दिस इज द लिंकेज। एंड लिंकेज इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द लॉ विच वॉज क्रिएटेड बाई मेटल्स यूजिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट वॉज ऑब्जर्व विदाउट लिंकेज, बट इफ द कैरेक्टर विच वॉज टेकन बाई द मेटल, जो मेटल के द्वारा कैरेक्टर लिया गया था, अगर वो कैरेक्टर ट्रेट लिंक होते, दो कैरेक्टर जो लिए गए थे और कौन से इसमें लिया गया था आपका सीड शेप एंड सीड कलर, अगर ये सीड शेप और सीड कलर का जीन एक साथ होते और लिंक रहते तो ऐसे केस में जो ड्यूरिंग ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता। और जो रेशियो हमको एफ टू जनरेशन में ऑब्टेन हुआ था विच वॉज 9:3:3:1, वो रेशियो आज हमारे पास नहीं होता, या फिर वो रेशियो जो है मेंडल को नहीं मिला होता। अगर ये दोनों जीन जो मेंडल के द्वारा यूज़ किया गया था वो अगर दोनों जीन लिंक्ड रहते तो। इसलिए जो है लिंकेज को हम एक्सेप्शन मानते हैं फॉर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गिवन बाय मेंडल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकेज वॉज ऑब्जर्व बाय द बेटसन पुनेट। बेटसन पुनेट वॉज द पर्सन who observed first of all linkage in the plant Lepidus odoratus, which is also known as sweet pea, इसको हम sweet pea के नाम से जानते हैं Lepidus odoratus। उसी Lepidus odoratus में जो है बेटसन पुनेट ने पहली बार लिंकेज को ऑब्जर्व किया था। ये था लिंकेज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो टॉपिक है दैट इज रिकॉम्बिनेशन। बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन क्या होता है और ये रिकॉम्बिनेशन कैसे लिंकेज से कनेक्टेड होता है, या लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन होता है, एग्जाम में स्पेशली यही सभी आते हैं। सो रिकॉम्बिनेशन कैन बी डिफाइंड एज द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, जनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। जब कोई नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बनता है, और ये जो है स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही कॉमन होता है। फॉर्मेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन is most common in the living organisms which reproduce through sexual reproduction. So ये जो recombination है ये sexual reproduction करने वाले living organism का एक बहुत ही बड़ा property है। अब बात करते हैं ये recombination को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, generation और formation और non parental gene combination। अब ये non parental gene combination कैसे बन जाता है तो आप reproduction में पढ़ चुके हैं, गैमेट फॉर्मेशन के समय प्रोसेस ऑफ मियोसिस होता है, और मियोसिस का जो रिजल्ट होता है वो होता है हैप्लॉइड सेल। मीन्स गैमेट्स के पास जो भी गैमेट्स बनते हैं उनके पास किसी भी पर्टिकुलर जीन का एक ही एलील पाया जाता है। किसी भी जीन में दो एलील होते हैं तो गैमेट्स में उन दोनों जीन दोनों एलील का किसी भी जीन के दो एलील का एक ही एलील जो है प्रेजेंट होता है। और जब ये एलील तो एक एलील जो है अलग हो गया, मतलब एक ही एलील जो है ऑफस्प्रिंग में जाएगा किसी एक पेरेंट से, और दूसरे पेरेंट से उसी जीन का कोई दूसरा एलील जो है उसके पास जाएगा, वो पर्टिकुलर एलील नहीं जाएगा पहले वाले पेरेंट। तो ऐसे में जब एक पेरेंट का अगर सिमिलर हुए तब तो डोमिनेंट हो गया, मतलब वो दिखाई देगा। ये हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं, तो उस केस में कुछ और भी हो सकता है रिजल्ट, होमोजाइगस होगा तो रिसेसिव ट्रेट दिखाई देगा। मीन्स लास्टली जो कहने का मतलब ये है कि रिकॉम्बिनेशन जब होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन जब होगा तो
फर्टिलाइजेशन में फिर दोबारा जुड़ जाएंगे, तीसरी कॉम्बिनेशन होगा फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट करता है नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन होता है। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, दोनों में क्या रिलेशन है इनकेस और रिकॉम्बिनेशन में एंड रिकॉम्बिनेशन में इनकेस। सो हियर इट इज गिवन दैट द लिंकेज, लिंकेज जो होता है वह बहुत कम भी हो सकता है, मतलब जो लिंकेज का मीन्स ये दो जीन जो है आपस में अगर लिंकेज ज़्यादा होगा तो दो जीन जो होंगे किसी भी क्रोमोजोम के एक स्ट्रैंड पे वह जीन एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे, सॉरी अगर लिंकेज बहुत कम होगा तो वो जीन जो है बहुत दूर दूर होंगे। जैसा कि आपको दिखाया गया डायग्राम में कि ये पहले वाले स्ट्रैंड ये वाला जो है मान लीजिए है ए और ये बी स्ट्रैंड, क्रोमोजोम का ये ए स्ट्रैंड है और ये बी स्ट्रैंड, तो बी स्ट्रैंड पर आप देख रहे हैं दो जीन कनेक्ट है, दोनों बहुत दूर दूर हैं, मतलब यहाँ पर लिंकेज जो है बहुत कम है या नहीं है, लिंकेज नहीं इसको कर रहे हैं। लेकिन ये वाले केस में क्या दिख रहा है कि दो जीन है और दोनों जीन एक दूसरे के बहुत ही पास है, मतलब यहाँ पर लिंकेज जो है बहुत ही ज़्यादा है और ये दोनों जीन का लिंकेज शो कर रहे हैं। अब देखिए तो इस बेसिस पर लिंकेज जो है दो तरह का है, मतलब जीन जो होते हैं वो दो तरह के, एक जो है टाइटली लिंक जीन और दूसरे जो होते हैं लूजली लिंक जीन। तो टाइटली लिंक जीन जो होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम शो करते हैं, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन की जो है दिखाते हैं, और दूसरे लिंक जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जैसे होमोलोगस पेयर जब बनेंगे और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगा मियोसिस के प्रोसेस फर्स्ट में जो स्टेप्स आते हैं उसमें ये जो है क्रॉसिंग ओवर स्टेप आता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा किसी भी दो क्रोमोजोम, मान लीजिए यहाँ पे एक क्रोमोजोम हम दिखाया है, एक क्रोमोजोम और दिखा लीजिए, तो एक क्रोमोजोम और दिखाएंगे तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी दिख रहा है ये लिंकेज। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर के समय क्या होगा, ये अगर मान लीजिए ये वाला कंपोजिशन इस वाले से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो कंप्लीट क्या होगा, ये जो है एक्सचेंज जो होगा ये पूरा का पूरा इससे चला जाएगा, ये पूरा का पूरा इससे चला जाएगा। तो ऐसे में क्रॉसिंग ओवर जो होता है उसी समय रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है, मतलब उसी समय ये जीन जो है एक क्रोमोजोम से दूसरे में जाते हैं। तो एक रिकॉम्बिनेशन आपका क्रॉसिंग ओवर के समय हो गया, दूसरा रिकॉम्बिनेशन जो है फर्टिलाइजेशन के समय होता है। तो अभी देख रहे हैं दो जीन अगर एक साथ है तो दोनों जो है एक क्रोमोजोम से दूसरे में क्या होंगे, एक साथ जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं लिंकेज फेनोमेनन। और उसके बाद क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन जो है ये लिंकेज से कैसे रिलेट करता है ये आपको पता चल गया। अब एक टॉपिक और इससे रिलेटेड जेनेटिक मैप, जेनेटिक मैप जो है देखिए लिंकेज का वो एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव किया गया था मॉर्गन्स के द्वारा बाय दिस एक्सपेरिमेंट और ड्रासोफिला मेलानोगास्टर, ड्रासोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर जो है मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटली इसको एविडेंट किया था लिंकेज को। इससे पहले जो है ये जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसका भी जो एविडेंस था मॉर्गन के द्वारा ही दिया गया था और ड्रासोफिला मेलानोगास्टर। सो उन्हीं के एक स्टूडेंट थे दैट वाज नोन एज अल्फ्रेड स्टर्टवेन जो थे, उन्होंने क्या किया कि जो जीन है क्रोमोजोम के ऊपर उन सभी जीन का पोजीशन जो है सेट कर दिया और उसी पोजीशनिंग और जीन को हम बोलते हैं जीन मैप। तो जीन मैप जो है बहुत ही हेल्पफुल रहा इन द प्रोसेस ऑफ जीनोम प्रोसेस में, जैसा कि अभी आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वहाँ पे आपको जीन मैपिंग का बहुत ही बड़ा रोल दिखाई दे रहा। तो इस तरह से ये जो है टॉपिक का लिंकेज रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक मैप अलॉन्ग विद द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। We are going to discuss about the chromosomal theory of inheritance and we will also discuss about the next topic after chromosomal theory of inheritance, that is linkage and recombination. So first of all let us discuss about the chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance kya hota hai,
इसके बारे में हम जानते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इट वॉज गिवेन बाई सटन एंड बावरी। देर वेयर टू साइंटिस्ट विच वेयर प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज बाई वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बावरी। दीज आर टू पर्सन हु स्टडी एंड प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, ये थियोरी क्या कहती है इसके बारे में जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी this theory states that the behavior of chromosome is parallel to the behavior of gene in or during the their inheritance ke samay jo behavior hota hai chromosome ka wo same hota hai as the behavior of gene during the inheritance. The behavior of chromosome मेंडल के द्वारा जो है यही टर्म जीन जो दिया गया वो उनके द्वारा फैक्टर बोला गया। मीन्स जो फैक्टर का बिहेवियर होता है वही बिहेवियर जो है क्रोमोजोम का होता है, क्योंकि ये दोनों जो है जीन और क्रोमोजोम बोथ आर फाउंड इन पेयर, दोनों ही जो है पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं इन दैट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन पेयर्ड। सो जो इनका इनहेरिटेंस होगा वो भी जो है जैसा जीन का इनहेरिटेंस वैसा ही क्रोमोसोम का ही इनहेरिटेंस होगा। मीन्स पेयरिंग एंड सेपरेशन, वी कैन से दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन इज सिमिलर, दैट इज द क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसी को बोला गया क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इसका जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है इट वॉज गिवेन बाई थॉमस हंट मॉर्गन। ये जो वॉल्टर सटन और थियोडोर बावरी हैं इन्होंने जो है इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था, बट विद हेल्प ऑफ स्टडी दे प्रपोज द थियोरी ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेंस वॉज ऑनली बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ various kinds of living organism, but the experimental evidence it was given by Thomas Hunt Morgan. So the experimental evidence of this theory, given by Thomas Hunt Morgan was the scientist who gave the experimental evidence of chromosomal theory of inheritance, and Thomas Hunt Morgan or T.S. Morgan, इनको हम T.S. Morgan के नाम से भी जानते हैं। तो T.S. Morgan ने जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था
वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया, सो विथ ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे विथ ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर को लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूफ और टू गिव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इट वाज सीडेड बाय क्रिस्टोफर वाल्टर स्वेटर एंड थियोडोर वावरी। तो ये जो है इसके हेल्प से लिए। अब ये अभी थोड़ा सा एक चीज हम लोग और भी जानेंगे अबाउट द रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। जैसे मेंडल ने पाइजम सेटाइवम मटर के पौधे को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। तो कौन कौन से रीजन थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। वैसे यहाँ पे भी वी आल्सो डिस्कस अबाउट सम रीजंस अबाउट सम कॉजेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर बाय पीएस मॉर्गन। सो व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर, लेट अस डिस्कस अबाउट देम। सो हियर देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर बाय टीएस मॉर्गन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और टू गिव द एविडेंस फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो द फर्स्ट रीजन इट वॉज द ग्रो बिकॉज ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर कैन ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में इसको हम एक बहुत ही सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो करा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो करा सकते हैं। तो ये बड़ा रीजन था। दूसरा रीजन था स्मॉल लाइफ साइकिल। ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर कैन कम्प्लीट लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ते में ही इसकी लाइफ साइकिल कम्प्लीट हो जाती है। मीन्स वी कैन ईजिली ऑब्जर्व द सेवरल जनरेशन और वी कैन स्टडी द ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर फॉर सेवरल जनरेशन इन वेरी लेस टाइम पीरियड। द नेक्स्ट रीजन इज द सिंगल मेटिंग मोर प्रोजेनी। मीन्स एक सिंगल मेटिंग से जो है, मतलब ये अपने लाइफ साइकिल में एक मेटिंग से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में एबल होते हैं। सो वी कैन फाइंड आउट अ क्लियर रिजल्ट, क्योंकि अभी पता है आपको कि रिजल्ट क्लियर तभी आपको दिखाई देता है जब वो रिजल्ट ज़्यादा अमाउंट में, तब उनको ज़्यादा क्लियर रहता है। अगर कम रिजल्ट रहेगा तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रहेगा। जैसे कोरोना के टेस्ट में अगर देखा जाए तो अभी आप देखे होंगे कि RT-PCR जो है एक बहुत ही एग्जैक्ट टेस्ट रहा, इससे हम एग्जैक्टली पता कर सकें कोरोना है या नहीं है। तो RT-PCR का टेक्निक क्या था, मोर कॉपी ऑफ DNA हैविंग द कोरोना। तो ये जो है इसे हम एग्जैक्टली पता लगा। वैसे यहाँ पे जो है जब मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी होंगे सो वी कैन क्लेरिफाई द रिजल्ट इन मोर वे। नेक्स्ट द क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मींस वी कैन इजिली डिस्टिंग्विश द मेल एज वेल एज फीमेल, सो इट इज ऑल्सो अ रीजन फॉर सेलेक्शन। द नेक्स्ट इट इज द ऑर्गिज्म हैज मेनी टाइप ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन। मीन्स वी कैन यूज नंबर ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन टू क्लेरिफाई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो दीज आर द वेरियस रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर फॉर एक्सप्लेनिंग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन।